परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया कि कोई भी नहीं कर सकता। परमेश्वर वास्तव में सच्चा और जीवित है, इसलिए प्रभु का तुझसे धन्यवाद है। तू कोटि कोटि लाखों लाखों करोड़ों धन्यवाद। पहले मेरे 4 साल का लड़का था, और फिर इसके बाद मेरी लड़की हुई, वो पेट में खत्म हो गई थी और 3 दिन तक मरी हुई पेट में लड़की थी मेरे। तो डॉक्टर ने बोला कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मेरी बहन ने बोला प्रार्थना करा सबसे, परमेश्वर ही है सब। तो डॉक्टर ने बोला हम कोई चांस नहीं ले सकते बचने का, पेट के अंदर बच्ची खत्म हो गई, इसलिए हम माँ का चांस नहीं ले सकते बचने का, कोई उम्मीद नहीं है माँ की भी। तो मैंने प्रभु पे छोड़ दिया, मैं प्रभु आप ही मेरी रक्षा करने वालों, आप ही विश्वास करती हूँ। फिर इसके बाद में मेरी वो बेटी हो गई थी पर मरी हुई हुई थी। फिर इसके बाद में सबने बोला कोई बात नहीं है, तो प्रभु को मानती है, प्रभु तुझे और देगा। तो फिर इसके 6-7 महीने बाद मेरे और लड़का हुआ, वो भी मेरे पेट में ही खत्म हो गया था। फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि अभी बचने की चांस नहीं है, तो अभी भी हमें ना गारंटी नहीं ले सकते इस लड़की की बचने की, पेट में क्योंकि बच्चा 3 दिन का खत्म हुआ हुआ था, वो लड़का था। फिर इसके बाद में मैंने बोला कोई नहीं, प्रभु की इच्छा है, प्रभु मुझे और देगा। फिर मैंने प्रार्थना में आई थी। फिर मेरे पति उदास हो गए, तो फिर मैंने इनको हौसला बंधाया, मैंने बोला कोई बात नहीं है। जब मेरे 2 साल संतान नहीं थी 2 साल तक, तभी प्रभु ने मुझे आशीष दी थी अच्छे बेटे की। तो कोई नहीं, 2 बच्चे खत्म हो गए, कोई बात नहीं, प्रभु पे विश्वास रखो आप भी, मैं भी विश्वास रखती हूँ, प्रभु और भी देगा हमें आशीष। फिर इसके बाद में मैं चर्च में आई। 9 महीने तक मैंने सामर्थ का तेल लगाया पेट के ऊपर, रोज ऐसे बोलती थी प्रभु आपकी सामर्थ में और आपके लहू में मेरे बच्चे को कवर करके रखना। तो प्रभु ने आज मुझे अच्छी बेटी की आशीष दी, इसलिए प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ मैं। फिर मेरी बेटी बात करते हैं, ये बेचारी के पहले एक बेटा, लेकिन बाद में 2 बच्चे पेट में ही मर गए। फिर ये जब ये घटनाएं हो गई, उसके बाद में ये यहां पर चमत्कार दर्शन में आई। तो जब ये यहां आए और मुझे इन्होंने बताया, कहते आप प्रार्थना करो कि पहले मेरे साथ ये घटना हो गई है, 2 बार बच्चे पेट में मर गए हैं। तो एकदम पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला और मैंने कहा कि अब जो है वो बच्चा जो होगा वो ब्लस होगा, ऐसा नहीं होगा। तो परमेश्वर ने जब ये चमत्कार चर्च में आने लगे, उसके बाद कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई और परमेश्वर ने इस बच्ची को इन्हें दिया है, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरी गवाही है, मेरा मुंडा जमाई काम छड़ता 6-7 साल हो गए सके, जमींदार का काम करने लगे, कदे जाता सी कदे नहीं जाता सी, वो लीवर च सोजन सी, असं बहुत दवाइया बहुत अल्ट्रासाउंड कराए, नहीं रहवाया सी। इतों मैं वीरवार वाले बंदगी आई, जो प्रार्थना लिखाई पैस्टर जी ने प्रार्थना करी, हूँ मेरा मुंडा मिस्त्री का काम भी करने लग गया, रोटी भी रज के खान लग गया, वधिया प्रभु ने काम किया। हालेलुया। नहीं, आपने माता जी यहाँ पे लिखा है कि 6-7 सालों से उसके लीवर में सूजन थी और जिसके वजह से वो खाना पीना ठीक से नहीं खाता था, आपने उसका इलाज भी बहुत करवाया, मेडिसिन दवाइयां ली, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उससे कोई आराम नहीं आया, वो चार पाई के ऊपर ही पड़ा रहता था। वो मिस्त्री का काम था, लेकिन वो बीमार होने के कारण वो काम पे नहीं जा सकता था, वो काम नहीं कर सकता था, इस बीमारी के कारण उसको काम छोड़ना पड़ा। और उसके बाद आप यहाँ पर आए और आपने अपने बेटे के लिए परमेश्वर के अभिषेक की दास से आपने प्रार्थना करवाई और उसके बाद आपका बेटा ठीक हो गया। आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, वो खाना पीना ठीक से खाता है, जो चार पाई पे पड़ा रहता था अब वो काम पे जाता है, वो बिल्कुल हील हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। ये बहन बता रही है कि 6-7 सालों से इनके बेटे के लीवर में दिक्कत थी, जिससे उसका खाना पीना छूट गया, काम उसका छूट गया, चार पाई पर ही पड़ा रहता था, और परमेश्वर के अभिषेक की दास ने उनके लिए प्रार्थना करवाई और उसके बाद वो बीमारी उनकी बॉडी को छोड़ के चली गई, वो डिलीवरेंस हो गए, उनको हीलिंग के पाया और अब वो प्रभु की दया से काम पे जाने लग गए, वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। और इनकी दूसरी गवाही है, इनको खुद को 5 साल से एक बाजू में दर्द था और इन्होंने दवाइयां ली, कोई आराम नहीं आया, अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने कहा
मांस फटा हुआ है। फिर इन्होंने चमत्कार चर से अभिषेक का तेल लिया था, वो अपनी बाजू पर लगाया और एक बार लगाने से वो दर्द बिल्कुल खत्म हो गया और इनकी बाजू बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, बहुत काम का दर्द सीगा। मैं कल ही तेल लाया, मैं भी तेल ला के वेखा परमेश्वर मेरे चंगा कर दूगा। किन्ने साल हो गए मैं दवाई ले जानी है। मैं कल माड़ा जब उस एक बार तेल लाया, बहुत चमत्कार होया, परमेश्वर ने मेरे चंगा उससे वक्त ही दर्द मेरे खत्म। कौन सी बाजू थी आपकी, कौन सी बाजू थी? ऊपर हाथ खड़ा। हालेलुया। एक बात बताऊं, इस बहन के पेट में गांठ थी, बच्चेदानी में गांठ थी। कितनी बड़ी गांठ थी? अड्डी गांठ थी। अब आप ये देखो, हाथ दिखाओ। अड्डी गांठ से, मतलब बच्चे का सिर होता है, अड्डी गांठ से, मतलब इतना बड़ा हाथ वो कर रहे हैं कि यकीन नहीं आता। एड्डा ऊंचा पेट से मेरा ना पेट ऐसे ऊंचा हुआ था जैसे बच्चे का सिर होता है, इतनी बड़ी गांठ थी, इतनी बड़ी गांठ थी। तो हम इनके घर गए प्रार्थना के लिए, तो इन्होंने अपने घर पे बंदगी रखवाई थी। तो हम लोग बंदगी करके वापस आ गए, उसी रात वो गांठ गायब हो गई, निकल गई। कितनी पुरानी थी? बहुत पुरानी सी, 5-10 साल की होनी है। मैं तुरी फिरी फिर उसी बंदगी परमेश्वर का नाम, मतलब इतनी बहुत ज्यादा पुरानी थी वो गांठ। और उसके कारण लहू बहने की बीमारी भी साथ में लग रही थी। इतनी बड़ी गांठ, बच्चे का सिर जितनी गांठ थी। अब देखो, अब सारे लोग कहते हैं अब गांठ तेरे किधर गई। मैं कहा मेरे परमेश्वर ने चंगा करया। सब लोग कहते हैं गांठ किधर गई। और इनके बेटे के भी कोई गांठें थी? हां, मेरे बेटे थे भी सी पानी की गांठ, एडी बड़ी सी। दवाइयां बहुत लगियां, बहुत जमे सुक गया सी। एडा वड्डा उच्चा सी कि जमे छोटा जिहा बन के सुक ही गया। गांठ ते पानी की गांठ सी। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं।